हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व क्लास 6 सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 12, डेट 18 अगस्त 2021, एंड दिस वर्कशीट इज़ गिवन बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली. सो लेट्स स्टार्ट इट. चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ एंड मून. अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. इन साइज इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट्स स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल. जो उसके पोल्स हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक इसमें वो फ्लैटन है. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड. जियोइड उसकी, इसलिए इसकी शेप किस में डिस्क्राइब होती है? जियोइड में. और जियोइड का मीन्स लाइक अर्थ शेप. ओके. फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू शॉर्ट सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसके आउटर सरफेस में जो थर्ड टू थर्ड सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं. द मून, द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. इस डायमीटर इज ओनली क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ. इट्स इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डे. द मून्स अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एट and different position. You can see full moon only once it's about a month time. It is full moon night or Purnima. After that the sight is increasing. A fortnight later you cannot see it at all. It is called a new moon light or Amavasya. तो बच्चों क्या होगा कि जो moon है वो एक natural satellite है. अर्थ का diameter है quarter diameter. वो उसकी जो मून है वो अर्थ का क्वार्टर डायमीटर है. और इट्स अबाउट 3 लैक्स, ये 384,400 किलोमीटर अवे है अर्थ से. द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज. वो मतलब जो मून है वो 27 दिन में एक बार घूमता है. द मून्स अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजिशन. मतलब उसकी डिफरेंट शेप दिखती है हमें डिफरेंट टाइम पर. वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजिशन में होता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इट्स अबाउट द मंथ टाइम. बस हम एक ही बार फुल मून देख सकते हैं जब उसका मंथ का टाइम आता है. वो मंथ कौन सा होता है? फुल मून मंथ और पूर्णिमा. जब पूर्णिमा की रात होती है तब हमें फुल मून दिखता है. उसके बाद क्या होता है, जो उसका साइज़ है वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है. फिर 15 दिन बाद हमें वो दिखता ही नहीं है. और इसलिए हम उस नाइट को हम क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट और अमावस्या. ओके. नेक्स्ट इज सैटेलाइट. अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमें बता रखा है कि जो सैटेलाइट है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के मूव अराउंड करती है, जैसे कि प्लैनेट सन के मूव अराउंड करता है. ओके. नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969. नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पे चांद पर कदम रखा था. कब? 20 जुलाई 1969 में. ओके स्टूडेंट, क्लियर इट? नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. हमें अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? सिंपल आंसर. फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सैटेलाइट. पूरा हम ये लिख देंगे. अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून. कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जिनने मून के ऊपर पहली बार कदम रखा था. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.